गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर फोर्थ कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर फिफ्थ को पढ़ने जा रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड दिस आर टुडेज वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड होना, स्थित होना। इंक्लूड, INCLUDE, इंक्लूड करना, शामिल होना। नेशनल, NATIONAL, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। फोर्थ है कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल मीन्स राजधानी। टेरिटरी, TERRITORY, टेरिटरी का मीन्स होता है क्षेत्र या राज्य क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। सिक्स, फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल का मीन्स होता है उपजाऊ होना। इरीगेशन, IRRIGATION, इरीगेशन मीन्स होती है सिंचाई। ओके, IRRIGATION, सिंचाई। ऑक्यूपेशन, OCCUPATION, ऑक्यूपेशन मीन्स होता है रोजगार, व्यवसाय। नेक्स्ट है थ्रू, THROUGH, थ्रू का मतलब होता है कि माध्यम से। प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है टेक्सटाइल, TEXTILE, टेक्सटाइल मीन्स होता है कपड़ा। SEWING, स्विंग मीन्स होता है सिलाई। पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। देखिए स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया होगा कई जो वर्ड मीनिंग्स हैं हमारे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको तो बहुत इजीली याद हो गए होंगे सारे वर्ड मीनिंग। लेकिन फिर भी हम डेली क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको बार बार ही रिपीट कराने से बिल्कुल अच्छे ढंग से याद हो जाए। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप डेली की वर्ड मीनिंग्स ज़रूर याद करें और अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। ओके ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर फिफ्थ चल रहा है हमारे लाइफ इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए, द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इंक्लूड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। स्टेट जो है वो लोकेटेड है, स्थित है। राज्य किसमें स्थित है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान में। इंक्लूड जिसमें शामिल है पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, वेस्ट बंगाल है यानी पश्चिम बंगाल है, आसाम है, और राष्ट्रीय कैपिटल राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली का भी स्थित है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी स्थित है। ओके, लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस स्टेट्स। आओ हम अध्ययन करते हैं जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में जो इन राज्यों में रहते हैं। तो हमारा पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। देखिए, हमने पिछले लेसन में भी कुछ स्टेट्स ली थी, आपको उनकी भी कैपिटल्स को लर्न करते जाना है साथ के साथ में, और इनके भी जो भी जितनी भी स्टेट्स में आएगी उनकी कैपिटल्स भी आपको लर्न करते जाना है। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा? जब आप सब हमारे साथ साथ चलेंगे कि हम आज इतना पढ़ा रहे हैं, आप उसको वापस रिविज़न वर्क में अपने लेंगे, तो आपको हर चीज़ अच्छे ढंग से याद हो जाएगी। तो पंजाब कैपिटल इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू पंजाब आर सतलुज, रावी एंड बीन। जो मुख्य नदी जो फ्लोइंग होती है, बहती है, जरिए किसके जरिए? पंजाब से बहती है, उसमें सतलुज है, रावी नदी है और व्यास नदी है। ओके, तो तीन मुख्य नदियां बहती है, तो आपको याद होना चाहिए सतलुज, रावी एंड बीन। बीन का मतलब व्यास नदी से है। द सोइल ऑफ द स्टेट इज वेरी फर्टाइल एंड इरीगेशन इज डन मैनली थ्रू कैनल्स। जो मिट्टी है ना इस राज्य की, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और सिंचाई वो भी किया जाता है। तो किसके द्वारा डन यानी किया जाना, मैनली यानी मुख्य रूप से, किसके माध्यम से किया जाता है? कैनल्स के माध्यम से। कैनल्स आप जानते हो, कैनल्स होती है नहरें। यहाँ पे किसके द्वारा वर्क किया जाता है, मतलब जो भी सिंचाई का काम होता है वो किसके द्वारा होता है? नहरों के द्वारा। ठीक है, जैसे कई लोग ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं, कुओं के द्वारा करते हैं, तो ये सिस्टम। तो यहाँ पे किसके द्वारा किया जाता है? कैनल से किया जाता है। ऑक्यूपेशन,
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब इज फार्मिंग। लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है यहाँ का, मेन यानी मुख्य, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, रोजगार, पीपल ऑफ पंजाब, पंजाब के लोगों का, वो है फार्मिंग। देखिए स्टूडेंट, आपने कितनी बार फोकस किया होगा कि अभी जितने भी चैप्टर हमने अभी तक रीड किया है उसमें जो भी मुख्य लोगों का व्यवसाय क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, फार्मिंग आ रहा है, यही आ रहा है। तो फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, तो खेती है लोगों का। अधिकतर हमारे जो भी इंडियंस लोग होते हैं उन सब का मुख्य व्यवसाय खेती है। वीट है, ग्राम है, सुगर केन है एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। और यहाँ की मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूँ होता है, चना होता है, गन्ना और रुई होती है, जो कि यहाँ के लोग मुख्य ज़्यादातर उगाते हैं। पंजाब आल्सो हैज़ मैनी इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस टेक्सटाइल्स, होजरी, साइकिल्स, स्पोर्ट्स, गुड्स एंड स्विंग मशीन। जो लोग होते हैं पंजाब के, तो यानी यहाँ पे पंजाब में बहुत सारे क्या है, इंडस्ट्रीज भी है। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग है, जो क्या उत्पादन करते हैं, ज़्यादातर कपड़े के बारे में उत्पादन करते हैं, होजरी का सामान करते हैं। होजरी मतलब होता है कि जैसे आप लोग ये टी शर्ट पहनते हैं, कोट, मोजे वोजे, ये होजरी के सामान में ही आते हैं। साइकिल का बनाना एंड स्पोर्ट्स के सामान, स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स यानी खेल, गुड्स यानी सामान, एंड स्विंग मशीन यानी सिलाई की मशीन, ये सब के इनके कारखाने बने हुए, इंडस्ट्रीज यानी कारखाने हैं। इम्पोर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं, सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट आर द गोल्डन टेम्पल, जलियावाला बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर एंड शीश महल। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ पे, कौन कौन से हैं, सम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट आर, जो महत्वपूर्ण स्थान है इस राज्य के वह हैं गोल्डन टेम्पल, शायद आप सबने नाम सुना होगा गोल्डन टेम्पल का, स्वर्ण मंदिर है ना, और आप इस पिक्चर में भी अभी देखेंगे आप, फिर जलियावाला बाग भी है आपके, एंड लक्ष्मी नारायण मंदिर भी बना हुआ है एंड शीश महल भी। तो ये आपके मुख्य जो है ना इम्पोर्टेंट प्लेसेस कहाँ के, ये पंजाब के ये बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहीं पर आप टिक मार्क कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आप सबको ये इतना जितना पढ़ा है उसको बार बार इसको रीड करेंगे, ओके, और वर्ड मीनिंग्स पे जरूर फोकस करेंगे ताकि आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ स्टूडेंट कि आपको पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन मुझे पता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो अभी तक भी उनमें अवेयरनेस नहीं है। देखिए हम चैप्टर 5th पे बढ़ रहे हैं, तो आप सबको पता है ना पीछे कितना मिस कर रहे हैं, इसलिए इन सबको बार बार अगेन अगेन रिपीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।